मेरा बेटा खेतों में काम करते करते परेशान रहे। मैं कितना उसके लिए परेशान रहती हूँ, क्या बताऊँ। ना तो मेरे घर में एक पैसा है, ना तो जिनका खाना है घर में। तो अपने स्वामी का मैं कफन दफन कैसे करेंगी, लेकिन खुशी नहीं। मैं इस अपने स्वामी के कफन के लिए भीख मांग करके अपने स्वामी का कफन दफन जरूर करूंगी। या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे माँ के आंखों में आंसू। माँ, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो?
में नहीं आता है तुम्हारे तो क्या बात है। तुम बाबू जी की याद करते हो या करती हो, लेकिन माँ एक बात मैं तुमसे और कहना चाहता हूँ। याद तुम्हें इसलिए करती हूँ बेटा, एक करती औलाद तुम और बेटी सरला है, मैं आप नादान है, तुम्हारी बहन की शादी मैं कैसे कर। माँ इन बातों को छोड़कर मेरी बात सुनो। माँ बेटा मेरी बात सुनो, सोच करने से कुछ हो नहीं पाएगा, सोच करने से कुछ जी वापस नहीं आएंगे, इसलिए माँ हमारा यही कहना है ये दौरा दौरा छोड़ दो और मैं कमाऊंगा तुम्हें खिलाऊंगा। और हमारी बहन सरला जो इस समय पढ़ रही है वो जितना पढ़ेगी मैं उसको पढ़ाऊंगा, दौरा दौरा छोड़ दो। तुम्हारे पिता बहुत अच्छे थे, वो आप लोगों को कितना प्यार करते थे, इस वजह से मैं आज रो रहा हूँ कि मैं अनाथ रह गई और तुम्हारे बाप को चले गए। नहीं माँ ये बात तो तुम्हारा सुनो तो अच्छी बात है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा। माँ ये बताओ आज हमारी बहन सरला दिखाई नहीं देती है, वो कहाँ को गई है? बेटा वो स्कूल को गई थी, वो आती ही होगी। हाँ जाते कहा आज अभी तक वो आई नहीं और आती हूँ। हाँ माँ क्यों नहीं, हमारी बहन जो है खुद दिल लगा कर पढ़ाई करती है, वो जितना पढ़ेगी हम उसको तो नहीं पढ़ाएंगे, ये मेरा माँ बात है। ठीक है बेटा, मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि ऊपर वाले की मैं करती हूँ जिस तरीके का बेटा मुझे दिया है, हर एक इंसान को मेरे ही तरीके का बेटा दे। दुख और सुख जिंदगी में आते और जाते रहेंगे। हाँ माँ इसलिए
इंसान का फर्ज बनता है कि दुख का सामना करे, तभी उसे सुख मिलता है। हमारी बहन ठीक है बेटा, नमस्ते अम्मा, और ठीक है? हाँ बहन सब ठीक है। और अपना बताओ बहन, सब ठीक है? भैया मेरा तो बहुत अच्छा है। तो भगवान से मैं दुआ करता कि हर वक्त हमारी बहन क्या कुछ हो जाए, भगवान से हम पढ़े लिखे नहीं हम इतना जानते गवार है, लेकिन तू तो पढ़े लिखे है, हमारी बात हद तो समझती है। ये तो मैं भी सोचती हूँ कि जिस तरह से मैं खुश रहती हूँ उसी तरह से भगवान मेरे भैया को सदा खुश रहना। अरे क्यों नहीं, भगवान को मजबूरी से हमें खुश रखना पड़ेगा। ठीक है भैया, बहन मिली है, इन बातों को छोड़ो, क्या राखी बांध देती हूँ क्योंकि मेरे भाई की कलाई सदा के लिए मजबूत रहे। अरे तो बहन तुम देर क्यों करते, जल्दी से राखी बांध और एक कलाई और भी मजबूत। अरे परेशान क्यों होते हो, बैठे हो मेरा। ओ भैया मेरे, भैया समझते हो? ओ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे अपना फर्ज अदा कर दिया है। अरे फर्ज की क्या बात है भैया, ये तो बहन का फर्ज होता है। हाँ बहन, और भाई का फर्ज होता है। मुझे मत चाहिए बहन, भाई भाई का फर्ज ये होता है, जब बहन भाई के कलाई पर राखी बांधती है तो भाई का फर्ज बनता है उसे कुछ न कुछ दे। अरे नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हैं तो मैं जानती हूँ कि मेरे पास सब चीज है। मेरी बात सुन बहन। कहिए भैया। बहन Yeah.
मेरी किस्मत कैसे लिखी है कि हमारे एक पहले मैं उसकी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता हूँ। अरे नहीं भैया, आप परेशान क्यों होते हो? अरे नहीं आइए मुझको जागीर गए नहीं दे सका है, लेकिन आज तुझे एक वचन देता है। वचन? हाँ भाई। अरे वो कौन सा वचन है भैया? जान से प्यार मुझको, अरे तू मेरी बहन।